इन दिनों देश भर के कई इलाकों में लू का प्रकोप है। ऐसे में इससे महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। महाराष्ट्र के विदर्भ में सबसे अधिक तापमान होता है। नागपुर शहर में हर साल जो है तेज गर्मी धुपकाले में देखने मिलती है। इस साल भी जो है मई महीना शुरू होते ही हम देख रहे हैं शहर में जो है तेज धूप तपने लगी है। आप देख रहे हैं कि शहर की जो सड़कें हैं तेज धूप में सुनसान नजर आ रही है, जिसमें चंद्रपुर, नागपुर, अकोला और बुलढाणा टॉप पर होते हैं। इन दिनों इन जिला का तापमान 42 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे बीच मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है और बताया है कि विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तापमान और बढ़ेगा, जिस वजह से गर्मी, धूप और लू का प्रभाव और अधिक होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 45 से ज्यादा तापमान होने पर हम चेतावनी जारी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इस लू से बचने के लिए पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज की जो फोरकास्ट इशू की गई है विदर्भ के रीजन के लिए, तो आगे आने वाले 3 दिनों के लिए हम थोड़ा देखेंगे टेम्परेचर राइजिंग टेंडेंसी रहेगी, जो 40 से लेके 42 के आसपास रहेगी विदर्भ के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में। और हम लोग फिर से 4th और 5th में, मतलब 6-7 के आसपास से बारिश की संभावना जताई जा रही है। खासकर जो अपने ईस्टर्न विदर्भ के जो रीजन है, साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है, गढ़चिरौली चंद्रपुर को 6-7 के आसपास बारिश की संभावना है। और उसके बाद फर्दर डेट्स में भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल्स हो सकते हैं विदर्भ के रीजन्स में, जिससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। बट अभी आने वाले 3 दिनों में तापमान में थोड़ी वृद्धि रहेगी और गर्मी जैसा माहौल बना रहेगा। जस्ट नाउ वी हैव नॉट इशूड, अभी हमने कोई भी हीट वेव अलर्ट्स नहीं दिया है। एज पर मीडियम रेंज फोरकास्ट, जो हमारा 5 दिन का वार्निंग होता है, उसमें अभी कोई भी हीट वेव की आशंका नहीं जताई जा रही है। सामान्यतः तापमान जो रहेंगे 40 से 42-43 तक रीच कर सकता है, बट हीट वेव की संभावना नहीं बन रही है। तेज धूप और लू के कारण दोपहिया वाहनों से व पैदल निकलना दुभर हो रहा है। दोपहर में शहर की सड़कों पर चहल पहल कम दिखाई देती है। सुबह करीब 7 बजे तक तो गर्मी से राहत रहती है, इसके बाद सूर्यदेव की तेज धूप से गर्मी हो जाती है। 10 बजे तक पूरी तरह से धूप निकल जाती है और धूप में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। दोपहर 1 बजे के बाद तो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। तेज धूप के कारण ही दोपहर सड़कों पर कम चहल पहल दिखाई देती है। गर्मी व धूप तेज होने से शीतल पेय की मांग बढ़ गई है। गन्ना रस, जूस, नींबू पानी, शरबत व लस्सी एवं कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। शीतल पेय की मांग बढ़ने से जगह जगह पर गन्ना रस, नींबू पानी, आइसक्रीम के ठेले दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के समय में वैसे भी शहर में तेज धूप के कारण सन्नाटा दिखाई देता है। कई लोग जो है वो घर से कुछ काम के लिए ही, जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलना पसंद करते हैं, अन्यथा लोग घरों से बाहर निकलते नहीं हैं। और ऐसे में जो लोग जो है काम की वजह से घर से बाहर निकलते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं सड़क के किनारे लगे कुछ गन्ने के जूस के सेंटर है, नींबू पानी के जो ठेले हैं, वहाँ पर जो है वो इन ठंड शीतल पेयों का आस्वाद लेते नजर आते हैं या उनका सहारा लेते नजर आते हैं। इस कड़ी धूप से बचने के लिए लोग जो है ऐसे जो शीतल पेय रहते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं, इनका सहारा लेते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।